हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्ट मैजिक बाय विकास। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है एक अनबॉक्सिंग सीरीज की वीडियो। इसमें अनबॉक्सिंग करेंगे हम आर्ट सप्लाई का आज अनबॉक्सिंग नहीं होने वाला है। आज एक कुछ अलग तरीके की चीज़ का अनबॉक्सिंग होने वाला है। ये आर्ट सप्लाई तो नहीं है, लेकिन इसके साथ अब मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा एंड यू विल गेट अ चेंज इन माय वीडियोस। तो बिना समय गवाए लेट्स गो विद अनबॉक्सिंग, लेट्स स्टार्ट। देख सकते हैं कि आज मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने जा रहा हूँ। तो इस अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े, कुछ बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड का अनबॉक्सिंग करूँगा। मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बहुत दिनों से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था एंड नाउ इट्स हियर। सो लेट्स ओपन इट एंड टेल यू कि ये किस तरीके का है और कैसा दिखेगा। तो सारा सस्पेंस अब खत्म करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा ड्राइंग टेबल। सबसे पहले अब हम इसके ऊपर जितने भी पॉलिथीन कवर्स है उसको हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का मेरा ये ड्राइंग टेबल और चेयर देखने में है। मैं अपने घर के पास वाले फर्नीचर शॉप में गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक अच्छा चेयर और टेबल मुझे देखने को मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल के लिए और अपनी ड्राइंग वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए एक परमानेंट सेटअप ले लूं, जहां पे मैं पूरी तरीके से बैठ के अपनी ड्राइंग्स को अच्छी तरीके से बना पाऊंगा। तो देख सकते हैं कि मैंने टेबल के ऊपर से पूरा कवर हटा दिया और ये पूरा ब्लैक फिनिश में है देखने में। और अब ये रही मेरी चेयर। चेयर के ऊपर का भी कवर हम निकाल लेंगे और दिखाएंगे कि चेयर देखने में कैसी लगती है। तो मेरी इस चेयर का जो मटेरियल है वो है स्टील का। जो ये पूरे रॉड्स हैं ये स्टील के बने हुए हैं और जो मेरा टेबल है वो वुडन का है। यहाँ पे मुझे मेरे टेबल के अंदर दो ड्रॉर्स मिलते हैं। इस ऊपर वाले ड्रॉर के अंदर मैं अपने जो भी करेंटली यूजिंग सामान होंगे उनको रख पाऊँगा और जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो मैं नीचे वाले ड्रॉर में रख सकता हूँ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका एक क्लोजअप शॉट। देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला ड्रॉर है वो एक स्लाइडिंग ड्रॉर है और उसके बाद जो उसके नीचे वाला है वो एक मैग्नेटिक कबोर्ड है। तो देखिए इसका एक सिनेमैटिक शॉट। तो ये है हमारा ड्राइंग टेबल। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ड्राइंग टेबल और एक चेयर ले लूं, जहाँ पे मैं अपने जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब के उस सबको रिकॉर्ड करूँगा। एंड ये एक परमानेंट स्टेबल हमारा सेटअप होने वाला है, जहाँ पे मैं अब से हमेशा होपफुली मैं इसी पे अपने ड्राइंग वीडियोस को रिकॉर्ड करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलता हूँ मैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।